आज हम लोग बात शुरू करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है, पहले इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। बेसिकली रिफ्रैक्शन ये होता है कि लाइट रेज जो होती हैं वो एक मीडियम से आती हैं। दिस इज मीडियम वन, मीडियम वन, ये एक मीडियम से आएंगी और किसी सरफेस, उस मीडियम की सरफेस से टकरा के किसी दूसरे मीडियम में चली जाएंगी। ठीक, ये मीडियम टू। सो इंसिडेंट रेज, जो लाइट रेज आ रही हैं, वो किसी मीडियम से की सरफेस, और ये सरफेस कौन सी सरफेस है, देखिए ये वो सरफेस है जो मीडियम वन और मीडियम टू को अलग अलग कर रही, सेपरेट कर रही। तो इस सरफेस से ये टकरा के और ये किसी दूसरे मीडियम में चली जाती है। जबकि अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ये देखा कि लाइट रेज आ रही थी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा रही थी और आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में चली जा रही थी। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन एंड दिस इज रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन है। यहां पे क्या हो रहा है, लाइट आ रही है एक मीडियम में से और किसी दूसरे मीडियम में इंसर्ट हो जा रही है। तो जैसे कि यहां पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ऐसे ही यहां पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन ये परपेंडिकुलर ऊपर नीचे दोनों तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे ये रेज जो आ रही है इन्हें कहते हैं इंसिडेंट रे। जैसे कि यहां पे था, आने वाली रेज इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बना रही थी दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। सो सेम हियर, यहां पे भी ऐसा ही होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो जाएगा, जो इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर के साथ में ये बनाएगी। अच्छा, ये सरफेस कौन सी हो गई, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई। ये वाली सरफेस कौन सी थी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी। और ये रिफ्रैक्टिंग, तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई। अब देखिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस और परपेंडिकुलर और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बना है, दिस इज योर इंसिडेंट रे जो आ रही है, इसे कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब देखिए ये यहां से यहां चली जा रही है, जबकि यहां पे क्या हो रहा था, ये वापस उसी मीडियम में, सेम मीडियम में वापस चली जा रही थी। तो रिफ्लेक्टेड रेज जो एंगल बना रही थी उसे कह रहे थे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जबकि यहां पे रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर के साथ में जो एंगल बनाएगी उसे कह देंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक, जरा यहां पे गौर करने वाली बात ये है कि जब रिफ्लेक्शन हो रहा था तो हमने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे, और लॉज जो थे वो कुछ इस तरीके से थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस परपेंडिकुलर और सॉरी इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में लाई करती, इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जबकि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको दिख रहा है साफ साफ के अलग अलग है, यहां सेम दिख रहे हैं और यहां आपको अलग अलग दिख रहे हैं। इट मींस रिफ्रैक्शन के लॉज भी अलग अलग ही होंगे, यानी कि इसके जैसे तो नहीं होंगे। यानी अब हम लोग जो पार्ट शुरू करने जा रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या फिनोमिना है, इट इज द फिनोमिना जिसमें क्या हो रहा है, लाइट एक मीडियम से आ रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी दूसरे मीडियम में चली जा रही है। रिफ्रैक्शन इंसिडेंट रे और परपेंडिकुलर के बीच जो एंगल बन रहा है उसे कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे और परपेंडिकुलर के बीच जो एंगल बन रहा है उसे कह रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं इन जनरल, लेकिन इक्वल की भी एक केस आएगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि इक्वल कब हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, व्हाई दिस हैपन, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो जा रही है, अच्छा यहां पे क्यों नहीं जा रही है। यहां एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि यहां पे हमने कर दी है पॉलिशिंग, हमने इस सरफेस के ऊपर पॉलिशिंग कर दी है, तो ये आगे का मीडियम ओपेक है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसलिए ये चली जा रही है। तो मीडियम इस तरीके से हो गए तीन तरीके के, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट, तीन तरीके के मीडियम हो गए।
हम मीडियम किस सेंस में कह रहे हैं? मीडियम वो है इन विच लाइट कैन ट्रेवल, लाइट कैन ट्रेवल, उसे हम मीडियम कह रहे हैं। मीडियम वो चीज है जिसमें लाइट हमारी प्रोपगेट कर रही है या ट्रेवल कर सकती है। अब मीडियम तीन तरीके के हो गए, कौन कौन से? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो हो गया जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो नॉर्मल ग्लास होती है आगे पीछे दोनों तरफ दिख जा रहा है शीशे में, तो ऐसी ग्लास जो बिना किसी पॉलिश के होगी, बिल्कुल प्योर चिकनी ग्लास, तो उसपे क्या हो जाएगा, आगे पीछे दोनों तरफ दिख रहा है, वो ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसल्यूसेंट ऐसा चीज जैसे कि हमारा पेपर है, पेपर को हमने ऑयल में भिगा दिया, उससे क्या होता है हमें आधा आधा दिखता है, यानी कि पार्शियल लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जा रही। और ओपेक मीडियम ऐसे होते हैं जिसमें लाइट बिल्कुल ट्रेवल नहीं कर पा रही होती है। ठीक, तो इस तरह से मीडियम हो गए। अब मीडियम वन और मीडियम टू की कंडीशंस को हम जरा यहां पे फोकस में लाएंगे और देखेंगे कि भैया ये कौन सी कंडीशंस है कि जब लाइट ट्रेवल तो कर रही है और ट्रेवल करने के बाद रिफ्लेक्ट ना होके रिफ्रैक्ट हो रही है, यानी एक मीडियम दूसरा मीडियम दोनों ट्रांसपेरेंट है, यानी लाइट इसमें मूव कर सकती है। तो अब ये कंडीशन है कि लाइट मूव तो कर रही है लेकिन फिर ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के अलग अलग क्यों आ रहे हैं? होता ये है कि बेसिकली लाइट जो होती है, लाइट है क्या, आपको भी पता है कि लाइट जो है वो एक वेव है। ठीक है, लाइट क्या है? एक वेव है, ड्यूअल नेचर शो करती है, लाइट एक पार्टिकल भी है। हम यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लाइट एक वेव है, हम यहां पे किस फिनोमिना को ले रहे हैं, हम इस फिनोमिना को ले रहे हैं कि लाइट क्या है, एक वेव है। हम वेव नेचर के बेसिस पे यहां डिफाइन करेंगे चीजों को, पार्टिकल नेचर के बेसिस पे अभी नहीं कोई बात करेंगे। ठीक, तो लाइट एक वेव है और इस वेव के बारे में अब डिस्कशन यहां चलाएंगे। देखिए, जब वेव होती है तो आपको भी पता है ये वेव दो तरीके की होती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो ये लाइट जो होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये एक ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव में ट्रोफ ऑफ क्रिस्ट की फॉर्म में लाइट चलती है और ये कंसेक्यूटिव ट्रोफ और कंसेक्यूटिव क्रिस्ट की जो लेंथ होती है इसे कहते हैं वेव लेंथ। इसे क्या कह देते हैं? वेव लेंथ, लैम्डा। ठीक, इसे कह देते हैं वेव लेंथ। और लाइट की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है कि कितनी वेव्स पर सेकंड जो है वो ट्रेवल कर रही है, पर सेकंड कितनी वेव चल रही है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, और लाइट चूंकि एक वेव की फॉर्म में है और ट्रेवल कर रही, तो इसकी अपनी वेलोसिटी है, लाइट की अपनी एक वेलोसिटी है। तो अब हम इन तीन चीजों से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं और आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा भी होगा, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, velocity is equal to frequency into lambda, यानी wavelength। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा। होता क्या है कि कोई एक मीडियम में लाइट ज्यादा तेज चल रही होती है और किसी दूसरे मीडियम में लाइट थोड़ा कम तेज चल रही होती है। ठीक, तो इसका मतलब मीडियम की भी अपनी डेंसिटी है, मीडियम की अपनी डेंसिटी है, तभी तो ऐसा हो रहा है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि लाइट बेसिकली क्यों रिफ्रैक्ट हो रही है। तो मीडियम की अपनी डेंसिटी है। ठीक है, बात समझ आ रही है? लाइट की अपनी एक वेलोसिटी है, हर मीडियम की अपनी डेंसिटी है। ठीक है, इस मीडियम की अपनी डेंसिटी, इस मीडियम की अपनी डेंसिटी और लाइट की अपनी वेलोसिटी है। इन जनरल लाइट की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। जानते हैं आप वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट कहा जाए वाटर में तो कितनी होती है भैया? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी होती है बताइए? 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, और अगर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कह दिया जाए तो कितनी होती है? 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट मींस हमने कहा कि लाइट जो है वो देखिए अगर एयर में होगी, एयर
या वैक्यूम में होगी तो लाइट बहुत तेज जा रही है, वाटर में होगी तो उससे धीरे जाएगी, और अगर ग्लास में होगी तो सबसे धीमे चलेगी। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? तो लाइट की स्पीड जो है वो तीन जगह अलग अलग है, एयर वाटर और एयर वाटर और ग्लास, तीनों में लाइट की स्पीड जो है वो अलग अलग है। तो जब स्पीड अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है, ये किस बात को शो कर रही है? स्पीड अलग अलग है ये इस बात को शो कर रही है कि भैया मीडियम की डेंसिटी अलग अलग है। इफ दिस मीडियम इज एयर, अगर ये मीडियम एयर होता तो इसकी डेंसिटी कम होती, और अगर ये ग्लास होता तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होती। तभी तो, जब ज्यादा डेंसिटी होगी तभी तो ये कम तेज चलेगा भैया। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड अपने आप कम हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा, स्पीड कम हो जाती है अगर डेंसिटी बढ़ाते हैं। तो डेंसिटी होती है हर एक मीडियम की किसके लिए? लाइट के लिए। भैया लाइट के लिए जो डेंसिटी होती है उसे कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी। तो इट मींस अगर एयर की बात करो तो एयर में लाइट तेज चल रही है और ग्लास और वाटर में लाइट धीमे चल रही है। तो एयर जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास या वाटर कैसा है? ऑप्टिकली रेयरर है। तो ये रेयर मीडियम हो गया और ये डेंसर हो गया। ठीक, अब ये आपको समझ में आ गई बात कि रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होते हैं। ठीक, यही हमने आपको फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और वेलोसिटी में एक रिलेशन बताया, जिसको अभी आगे यूज करने जा रहे हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। लेकिन पहले आपको चीजें और क्लियर करते हैं। तो भैया ऑप्टिकल डेंसिटी आपने देख ली कि भैया हर मीडियम की अपनी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, और लाइट उस ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से तेज या धीमे चलती है। अगर लाइट तेज चलती है, अगर लाइट तेज चलती है तो वो इस परपेंडिकुलर से दूर जाती है। अगर लाइट तेज चलती है तो परपेंडिकुलर से दूर जाती है, और अगर लाइट धीमे चल रही है तो परपेंडिकुलर के करीब आ जाती है। दूसरी एक खास बात समझ लीजिए, जब कभी भी रिफ्रैक्शन नॉर्मल, यस दिस नॉर्मल। अब जरा एक बार और यहीं पे वही चीज क्लियर कर देते हैं। देखिए, हमने मान लीजिए ये नॉर्मल था हमारा, ठीक है, लाइट आ रही थी, ये आ रही, ये मीडियम जो है ये डेंसर है, ये रेयर है। ठीक, ये मीडियम कैसा है? ये डेंसर है और ये रेयरर मीडियम। लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। यहां क्या हो रहा है? यहां रेयरर से डेंसर में जा रही है। आप देखिए इस फिनोमिना को, यहां रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट जा रही है। डेंसर मीडियम कौन सा है? डेंसर मीडियम वो मीडियम है जिसमें लाइट धीमे 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 चल रही है, और रेयर मीडियम कौन सा है? जिसमें लाइट तेज तेज चल रही है। क्लियर? ठीक, स्पीड जिसमें ज्यादा है। एक जरा बात समझ लीजिएगा, लाइट की स्पीड की कोई भी कंडीशन हो, लाइट तेज चले या धीमे चले, लाइट की फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। ना 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 बेटा, फ्रीक्वेंसी को जरा देखिएगा। हमने एक बताया आपको फॉर्मूला, v इज इक्वल टू एल लैम्डा या एफ लैम्डा होता है। v क्या है? वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा बदलता रहेगा, वेवलेंथ बदलती रहेगी, वेलोसिटी बदलती रहेगी, फ्रीक्वेंसी हमेशा कैसी रहेगी? कॉन्स्टेंट। याद रखिएगा, लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है, अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। क्लियर? बात समझ में आई? तो भैया ये लाइट आ रही है, इसकी स्पीड जो है यहां कम है क्योंकि डेंसर मीडियम है, स्पीड कम है। ठीक, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दिया। जब ये रेयर मीडियम में जाएगा तो नो डाउट लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। भैया जैसे ही खाली जगह मिली लाइट तेजी से भागेगी, और डेंस जगह है तो भैया लाइट धीमे धीमे चलेगी। ठीक, तो जैसे ही खाली जगह मिली लाइट तेजी से भागी और ये इससे दूर हो गई। देखिए, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन। ठीक, समझ गए क्या हुआ? आना तो सीधी चाहिए थी लेकिन गई कैसे? दूर चली गई। क्यों दूर चली गई? क्योंकि यहां स्पीड बढ़ गई। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसा हो गया? देखिए यहां ज्यादा हो गया। यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसा है? कम। क्यों? क्योंकि भैया आ रहे थे तेज
और जैसे ही गए आगे भीड़ आ गई, हिंड्रेंस आ गया, धीमे धीमे चलने लगे। जैसे धीमे धीमे चलने लगे जाते थे जापान, पहुंच गए चीन। देखो आ गए इधर, समझ आई बात या नहीं? कोई दिक्कत नहीं? तो एयर जो है वो रेयर मीडियम है और ग्लास जो है वो डेंसर। अगर ग्लास की जगह यहीं पे वाटर लगा देते तो भी सेम कंडीशन रहती। बच्चा समझ में आ रही बात? इससे समझो, वेलोसिटी जहां ज्यादा होगी इट मींस वो मीडियम कैसा है, वो रेयरर मीडियम है। वेलोसिटी जहां कम है वो मीडियम कैसा है, डेंसर। भैया अगर स्पीड कम है, धीमे धीमे चल रही, इट मींस कि वो मीडियम रोकना चाह रहा है इसलिए वो डेंसर है। और अगर स्पीड तेज है तो वो मीडियम रोकना नहीं चाह रहा, जाने देना चाह रहा है, इसलिए डेंसिटी कम होगी वहां, तो रेयरर हो गया। क्लियर है? Yes. तो ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर दो तरीके के मीडियम होते हैं। पॉइंट लिख लीजिएगा, जब लाइट ट्रेवल करती है ऑप्टिकली डेंसर से रेयरर मीडियम में, अगर लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो वो परपेंडिकुलर से अवे हो जाएगी, ठीक, परपेंडिकुलर के अवे जाएगी। और अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो परपेंडिकुलर के टूवर्ड्स जाएगी। तो लाइट जो है इसकी बेंडिंग पूछी जाती है। लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, एंड लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द परपेंडिकुलर और नॉर्मल व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। बच्चा अब ये रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके लिए हमने एक बेसिक चीज बना दी। हमने रेयरर और डेंसर को अलग अलग ना कहके, क्योंकि देखिए एक बात जरा बता दें आपको, ये रेयरर और डेंसर, ये जो वर्ड है रेयरर और डेंसर, ये जो डेंस और रेयर मीडियम है, बेसिकली ये दो वर्ड एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जरा समझिएगा इस बात को, कैसे ये अधूरे हैं, इस पॉइंट को हम समझाने जा रहे हैं। रेयर मीडियम जो है, अगर हम ऐसे ही नॉर्मल एक और चीज कहें, गुड और बैड, क्या ये दो वर्ड एक दूसरे के बिना जी सकते हैं? क्या ये दो वर्ड एक दूसरे के बिना जी सकते हैं? अगर हमने कहा ये चीज अच्छी, मान लीजिए दिस मार्कर इज गुड, तो भैया अच्छा है किससे अच्छा है, क्वेश्चन पूछा जाएगा किससे अच्छा है, एक कंपैरिजन तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसे वर्ड्स जो कंपैरेटिव वर्ड्स होते हैं वो बिना दूसरे के चल नहीं पाते, तो हमेशा ये कंपैरेटिव वर्ड्स रहेंगे। कि अगर हमने कहा दिस इज बैड थिंग तो गुड क्या है, और अगर दिस इज गुड थिंग तो बैड क्या है, हमें दोनों के बारे में जानकारी होना चाहिए। ऐसे ही अगर हमने कहा दिस इज रेयर मीडियम, इट मींस कोई तो डेंसर होगा, किसी से तो तेज चल रही होगी, है ना। ऐसे ही अगर हमने कहा कि दिस इज डेंसर मीडियम, तो कह रहा है कि भैया किसी में तो धीमे चल रही होगी, ठीक है, या किससे ज्यादा तेज चल रही है। समझ में आई बात या नहीं? तो ये कंपैरेटिव वर्ड। अब इन दोनों को कंपैरिजन करने के लिए हमने दोनों का एक कॉमन वर्ड ले लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं करा, हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बता देंगे जो खुद में ये बताएगा, इसको सिंबल है एन, इसको एन से लिखते हैं, जो ये खुद में बता देगा कि भैया कौन सा रेयर मीडियम है कौन सा डेंसर मीडियम है। हम कंपैरेटिव एक वर्ड लेते हैं, तो हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, लिखने का तरीका समझ लीजिए। इसे पढ़ते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, ठीक, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड के रिस्पेक्ट में कैसे लिखा जाएगा, एन टू अपॉन एन वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ये इन जनरल लिखा जाता है। अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पहले थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर आगे बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि लाइट की स्पीड कहां कहां कितनी कितनी है, ठीक है, और हम बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेरेटिव निकालते हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हमने आपको बताया दिस इज अ कंपेरेटिव टर्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कंपेरेटिव टर्म है। हमने कह दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द
जरा समझिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, ठीक, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक, जरा देखिएगा इस पॉइंट को, देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, हमने कहा कि सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक कंपैरेटिव टर्म है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक कंपैरेटिव टर्म है, ये कंपैरिजन करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कंपैरिजन करेगा। हमें एक बात कंफर्म है कि लाइट जो होती है उसकी स्पीड एयर में 3×10⁸ होती है, दिस इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू, दिस इज कॉन्स्टेंट वैल्यू, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू, यानी कि हम लाइट की स्पीड को जिस मीडियम में होगी हम उसको किससे कंपेयर कर देंगे, हम एयर से या वैक्यूम में, एक ही स्पीड होती है, हम उससे कंपेयर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, एंड दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसे क्या कह देंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई दिक्कत? देखिए, अब मान लीजिए दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, यहां लिखे दे रहे हैं, ठीक, ये किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मान लीजिए ग्लास का निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और इसका रेशियो किसके साथ में, उस मीडियम में कितनी स्पीड है। लाइट की स्पीड को हम सी से लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से लिखते हैं, एयर या वैक्यूम में, सी अपॉन वी, फॉर्मूला हो गया वी, किसमें, वी इन जी, ग्लास में, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पूरी टेबल है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, अलग अलग चीजों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, कि वाटर का ज्यादा होता है, कि ग्लास का ज्यादा होता है, कि एयर का ज्यादा होता है, ठीक, आप देख सकते हो सारी टेबल में कंपेयर दिया हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बताएगा कि किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहे, किनके बीच कंपैरिजन कर रहे हैं, पहली बात, और किस मीडियम में स्पीड ज्यादा है और किस मीडियम में स्पीड कम है, यह रेशियो हमें बताएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? इन जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम का, मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें ग्लास का लिया हमने और इसका लिया एयर का, तो अब कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों के बीच, तो कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, अगर ये लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसके लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, याद रखिए जो पहली चीज है वो नीचे, जो दूसरा वाला है वो ऊपर, यानी कि अगर हमने लिखना है दो का कंपैरिजन, इसका N1 है इसका N2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन। फॉर्मूला बनाने का तरीका बता रहे हैं भैया, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, क्योंकि आगे चल के आपको ये फॉर्मूला देखना होंगे, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, ये एब्सोल्यूट था सिर्फ एक मीडियम का था, यहां दो मीडियम को रिलेट करा जा रहा है, तो इसे कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, इसी को हम आगे लेके चल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N2 ले लो, N2 का मतलब क्या हुआ, देखिए ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लाइक दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे है, ये एब्सोल्यूट वाले, तो इनको हम इधर लिख के ले रहे हैं, ठीक है। अब इस तरफ देख लेते हैं, यहां पे थोड़ा सा खाली कर लेते हैं माहौल, देख
इतने में चलाएंगे इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो ये है हमारा कंडीशन वन एंड टू की कंडीशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ठीक है, इनकी वैल्यूज आपको दी होंगी, क्वेश्चंस में दे देते हैं कभी कभी वैल्यू दे देते हैं, कभी आगे के प्रोसीजर को बताएंगे कि क्या और दे देते हैं। आपको ये पता है कि C अपॉन VG है, यहां पे हमने कह दिया अगर हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम तो क्या कहते हैं, सी अपॉन वी वन कह देते। भैया पहले मीडियम में कितनी स्पीड है और लाइट की स्पीड एयर में कितनी है, यही तो कंपेयर कर रहे थे, इसी को तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे थे। तो आप देखिए हमने ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दोनों की यहां से निकाल ली, अगर एन टू की करें तो क्या हो जाएगा सी अपॉन वी टू, यही होगा ना एन टू के लिए, इन दोनों की वैल्यूज को उठा के इसमें पुट कर दो, सी अपॉन एन टू अपॉन सी अपॉन एन वन, तो क्या हो जाएगा, सॉरी एन टू टू वी से होगा ना, वी से सी अपॉन वी टू और यहां सी अपॉन वी वन। ठीक, क्या आएगी वैल्यू निकाल के बताओ भैया आगे क्या हुआ, सी सी कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, ब्लर, एक मिनट। तो यहां पे क्या हुआ, हमने इसे सॉल्व कर लिया, देखिए तो इसे सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, C अपॉन वी टू इंटू वी वन अपॉन सी, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया वी वन अपॉन वी टू। तो इट मीन्स वन एंड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू भी हो सकता है, एक ये भी फॉर्मूला बन गया, एक तो फॉर्मूला ये बनाया था हमने, एक फॉर्मूला ये बना दिया। अब देखिएगा V इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, V is equal to F lambda होता है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं वन एंड टू, V की जगह हम क्या रख देंगे F और lambda की वैल्यू रख देंगे, हमें पता है F तो कांस्टेंट है दोनों में, ऊपर नीचे F कांस्टेंट हो जाएगा, तो lambda की वैल्यू से हम फाइंड कर लेंगे, वन एंड टू इज इक्वल टू वी वन की जगह क्या रख देंगे F lambda वन और V टू की जगह क्या रख देंगे F lambda टू। देखिए ऊपर हमें पता है कि V is equal to F lambda होता है, तो F से F कैंसिल हो गया, तो क्या आया लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। तो एक और फॉर्मूला डेवलप हो गया हमारा, एक और फॉर्मूला जनरेट कर दिया कि वन एंड टू इज इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू, ये भी फॉर्मूला हो गया, क्लियर है, चीजें क्लियर हो रही हैं। तो अब हमने इसे लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू कर लिया, ये लीजिए। तो भैया हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि अगर हम इन जनरल कहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा वन यानी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम, लेकिन फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रहेगी। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें एक दूसरा फॉर्मूला और जनरेट कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट मिल रहा है, देखिए आज का लेक्चर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर ही है, जितना थॉरो स्टडी कर सकते हैं इसकी कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी अच्छे आते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अब अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे एनहेंस करें तो देखिए जरा यहां पर समझिएगा, इस जगह पे हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए वन एंड टू की बात करी थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम ये बात करी थी, क्या हम इसका उल्टा कर सकते हैं, क्या हम इसका उल्टा कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अच्छा कहीं कहीं आपको ये इस कंडीशन में ना लिख के ये दे देंगे रिफ्रैक्टिव, इसको देखिए इसको इस तरीके से दे सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, वन टू एक साथ मिला के दे देंगे, कभी कभी ये एक साथ मिला के दे देंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत पालना, इसको समझना कि वन पहले लिखा हुआ है टू बाद में। ठीक, अब देखिए इन्होंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यहां था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम,
तो जो पहले था उसको हमने नीचे करा था, यहां भी जो पहले होगा उसको हम नीचे कर लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, और सेम फॉर्मूला यहां जनरेट हो जाएगा, इज इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन। देखिए यहां पे क्या था, यहां वन था तो वन आ गया था, टू था तो टू आ गया था, यहां वी टू अपॉन वी वन हो जाएगा और यहां हो जाएगा लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं? तो ये दो फॉर्मूले जनरेट हो गए, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब हम रेयर और डेंसर मीडियम को उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे बुलाएंगे कि भैया अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो डेंसर मीडियम है, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसका रेयरर मीडियम है वो। ठीक, अब इन जनरल आपको पता है कि भैया वेलोसिटी या स्पीड कितनी कितनी होती है, आपको पता है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां से निकाल भी सकते हैं, हमें वेलोसिटी पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, अगर एयर का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी सी अपॉन नीचे वी ए यानी एयर, दोनों की सेम रहेगी, दोनों की भैया एयर के रिस्पेक्ट में एयर का निकाल रहे हैं, 3 × 10⁸ और यहां पे 3 × 10⁸ कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कितना आया, 1 आ गया। ठीक, अब अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की बात करी जाए तो कितना आएगा बताओगे, कैसे निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? देखिए यहां कहीं लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कहीं नहीं लिखा है। देखिए अगर इंडिविजुअल एक का निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू किसके निकालेंगे हम, विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम के निकालते हैं। तो भैया सी ऊपर मान लिया, ये हम पहले मान लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू सी हो रहा है, तो भैया क्या हुआ, सी अपॉन वी जी, सी कितना 3 × 10⁸ और वी जी कितना है 2 × 10⁸, कट जाएगा, कितना आएगा इसका वैल्यू देख लीजिए भाई, इसकी वैल्यू आई ये तो कट गया 3/2 1.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.5। क्लियर, ऐसे ही तीसरा निकाले अगर तो एनजी के बाद एनडब्ल्यू यानी कि वाटर में अगर निकालना है तो क्या होगा, सी अपॉन वी डब्ल्यू कर लेंगे, कितना आएगा निकाल के जल्दी से बताइए, 3 upon 2 point, हाँ कितना आया, 4/3 के करीब आया। जैसे आपने देखा कि यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमें अलग अलग पेयर्स का अलग अलग मिलता है, और देखिए ऊपर नीचे भी हो जाता है, जैसे 4/3 हो गया। अब अगर यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का और वाटर का ले लिया जाए तो क्या होगा, इस तरीके से काफी क्वेश्चंस बन के आएंगे। जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ जाते हैं वो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का दिया हुआ है, दूसरे का पूछ लेंगे, ठीक है वेलोसिटी दे देंगे वो पूछ लेंगे, इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चंस हम अभी लगवा देंगे आपको, लेकिन पहले आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बता क्या रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कंपेयर करके बता रहा है कि एक मीडियम और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी कितनी है, ये कंपेरेटिवली बता रहा है कि अगर यहां से यहां लाइट जाएगी तो ये डेंसर मीडियम में जा रही है कि रेयरर मीडियम में जा रही है। क्लियर हो रहा है? अच्छा, इससे रिलेटेड अगर डेफिनेशन पूछी जाए, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो वी कैन से दैट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये रेशियो जो होता है उसे क्या देते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, कुछ एक आध पॉइंट और बता देते हैं, देखिए अब ये कह रहे हैं यहीं पे आपको पता चला, द मीडियम विद हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कैसी है,
हायर है उसे क्या कह देंगे, ऑप्टिकली डेंसर है, और जिसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लोअर है उसे कह देंगे क्या, रेयर और मीडियम। ठीक है, तो अच्छा यहां बताइए ग्लास का और वाटर का इन इस रिलेशन में ग्लास ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है कि वाटर, बताइएगा जल्दी से। ग्लास। तो ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर कंपेयर टू वाटर, क्लियर है। क्यों भैया, ये 3/2 की वैल्यू है, ये 4/3 की वैल्यू है, ये क्या आ जाएगी 1.33 के करीब जाएगा, है ना, ये 1.5 है। तो देखिए ये लोअर वैल्यू है, ये हायर वैल्यू है, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम वो रेयरर मीडियम। ठीक, तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखो नॉर्मल एक बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत सिंपल सा है, कह रहे हैं कि एक लाइट रे है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्शन शो कर रही है। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है, बताओ लाइट रे टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, नन ऑफ दीज या बोथ, ऐसे करके ऑप्शन देते हैं। तो क्या होगा, देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है और ये कैसा है, डेंसर मीडियम है। अच्छा, रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती कि कम, रेयरर मीडियम में स्पीड होती है, डेंसिटी लो, तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, स्पीड ज्यादा है, वी ज्यादा है और यहां वी कम है। हमें तो ये देखना है कि बेंड किधर करेगी, तो भैया जाना तो इसे सीधा था लेकिन ये बेंड करेगी चूंकि, तो ये चूंकि डेंसर मीडियम है तो ये बेंड कर जाएगी नॉर्मल की तरफ और ये इस तरीके से यहां से होके निकलेगी। ठीक, क्योंकि यहां स्पीड कम हो गई, तो स्पीड कम हो गई तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। समझ में आ गई बात या नहीं, कोई दिक्कत? तो ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही तो इंफॉर्मेशन मिली। अच्छा, अब कभी कभी ये पूछ लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ग्लास का, कह देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 ग्लास का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का कितना, 4/3। बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा, बता लेंगे क्या, फॉर्मूला आपको बताया हुआ है क्या, बता लेंगे, बताइए जल्दी से, क्वेश्चन सॉल्व करिए जल्दी से और आंसर दीजिए। तो NW अपॉन NG हो गया। अब क्या करेंगे, NW की वैल्यू लिख लेंगे, 4/3 है और NG की वैल्यू मल्टीप्लाई करके उल्टी कर दो, 3/2 है। ठीक है, यही तो हो गई, 3/2 की 2/3 हुई, 8/9 जो भी वैल्यू आएगी फाइंड करके आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अगर यही पूछ लें, अगर इसका जस्ट अपोजिट पूछ लें, 8/9 आएगी ना, 8/9 यही तो आएगी। अगर इसका रिवर्स पूछ लें, कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, अगर ये पूछ लें तो क्या आ जाएगा, तब ऊपर कौन सा आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का नीचे आ जाएगा, जो पहले है वो नीचे, जो दूसरी बार में है वो ऊपर, ये आ जाएगा कंडीशन। तो क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू 3/4 ये कंडीशन आएगी, तो 9/8 ये कंडीशन आ जाएगी। देखिए उल्टा हो गया, देखिए बिल्कुल उल्टा हो गया। इट मींस हम मेन टॉपिक ये है कि पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो पहले ग्लास का रखेंगे फिर वाटर का? ना ना ना, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया है, तो पहले हम वाटर का रखेंगे ऊपर और ग्लास का नीचे रखेंगे। ठीक, तो वाटर का पहले रखेंगे फिर ग्लास का? पहले वाटर का रखेंगे फिर ग्लास का, ऊपर वाटर नीचे ग्लास। ठीक, अब जरा समझिएगा, अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझिएगा, अगर आप गौर से देखें
तो जी एंड डब्ल्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वॉटर 8/9 है, और अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास देखिए तो 9/8 है। अगर हम इन दोनों में रिलेशन बनाए तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वॉटर इज इक्वल टू 1/ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। क्लियर है? 1/ की तो फॉर्म है, बस एक 1/ कर दोगी तो ये उल्टा हो जाएगा, इसी के बराबर आ जाएगा। तो भैया ये 1/ की फॉर्म में रह रहा है, इट मींस एक और फॉर्मूला बन सकता है, अगर क्वेश्चन दिया हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, और अगर इसका अपोजिट मारा जाए, पूछा क्या जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, अगर इसका अपोजिट करते हैं तो क्या होगा, अपोजिट पूछा जाए, अगर कहा जाए ये सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम तो क्या हो जाएगा 1/1 and 2। क्लियर है? ये बात समझ में आई या नहीं बोलो? ठीक है, तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन भी सॉल्व किया जा सकता है। लेट सपोज दिस वैल्यू इज 8/7, सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 2/2 and 1, इट्स वैल्यू इज 7/8। क्लियर है? क्लियर हो रही है बात या नहीं? देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिक से क्वेश्चन से बहुत इजीली हो जाएंगे, कोई ज्यादा टफ नहीं है, आसानी से हो रहे हैं। ठीक, यहां तक हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्लेक्शन का फिनोमिना पढ़ लिया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है बेसिकली। अब हम लोगों ने आज क्या क्या सीख लिया इसको समझ लेते हैं। एक पॉइंट पे अगर समझाया जाए तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये वो फिनोमिना है जिसमें लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, और वो दूसरे मीडियम में जाने के बाद या तो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल के अवे बेंड हो जाती है। बेंडिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी के ऊपर, मीडियम की। मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है या रेयरर है? ऑप्टिकल डेंसर, याद रखिएगा ऑप्टिकल वर्ड यूज करेंगे लाइट के लिए, ऑप्टिकल डेंसर है या रेयरर है? अगर ऑप्टिकल डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, याद रखिएगा यहीं पे कंडीशंस पूछ ली जाएंगी, आगे इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल बताएंगे नेक्स्ट क्लासेस में, कि अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, लाइट बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, और अगर इसका ऑपोजिट कर दिया जाए, डेंसर से रेयरर में कर दिया जाए, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। क्लियर है? क्लियर हो गई ये बात, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। अब इसमें देखिएगा एक छोटा सा पॉइंट, हमने आपको कहा कि लाइट भैया बेंड कर रही है, बिल्कुल सही है, सब सही है, बड़ा मजेदार पॉइंट था, लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि लाइट बेंड ना करे? कोई ऐसी शर्त भी है कि बिना बेंड हुए लाइट सीधी निकल जाए, कोई बेंडिंग नहीं हो रही है, देखिए सीधी निकल गई लाइट। लाइट रे अगर बिना बेंड हुए सीधी निकल रही है तो इसके लिए शर्त क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, N1 इज इक्वल टू N2। समझ आई बात या नहीं? अगर दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के बराबर हैं तो भैया लाइट जो है वो बेंड नहीं करेगी, अपने पाथ में बिना डिस्ट्रैक्ट हुए सीधी की सीधी निकल जाएगी। याद रखेंगे जीरो बेंडिंग की कंडीशन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दोनों के बराबर है। कंडीशन समझ में आ गई या नहीं बोलो भाई? तो यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड फिनोमिना आप कौन कौन से हो सकते हैं भैया? आपने देखा एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताएं तो आपने देखा है कि अगर हम किसी बकेट में क्वाइन को रखें, किसी बकेट में क्वाइन को रख दें तो ये क्वाइन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ सा दिखता है, यहां पे दिखता है हमें, ऐसा क्यों होता है? देखिए ये क्वेश्चन बेसिक पूछ लिए जाते हैं, सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है। तो भैया अब दूसरी कंडीशन यहां याद रखिएगा कि लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से चलेगी, किसी ऑब्जेक्ट से ही हम देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि लाइट कहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट से आ रही है। दरअसल लाइट कैसे होती है, जब हमें कोई चीज दिख रही होती है तो हमें कैसे लाइट चीजें दिखती हैं, पहले उस चीज के ऊपर
लाइट पड़ती है, फिर वो लाइट हमारी आंखों तक जाती है, तब हमें ये चीज दिखती है। लेकिन हमारी आंखों को क्या पता है, हमारी आंखों को तो पता है कि ये चीज दिख रही है, इट मींस यहीं से लाइट आ रही है। तो पानी के अंदर एक क्वाइन रखा हुआ है, ये क्वाइन अपनी नॉर्मल डेप्थ से थोड़ा उठा हुआ सा दिखता है, एक्चुअल में ये ऐसा दिखता है, लेकिन होता ये नीचे। क्यों? क्योंकि लाइट इसके अंदर से निकल के आगे निकल रही है, और ये लाइट जो इसके अंदर से निकल रही है, ये देखिए एयर में जा रही है। आप बाहर देख रहे हो खड़े हुए, यहां से आप देख रहे हो, तो लाइट एयर में जा रही है, और एयर में लाइट जब जाएगी तो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगी, लाइट बेंड कर जाएगी, बेंड कर जाएगी तो क्या हमें लगेगा, एक्चुअल में ये रखा यहां था, हमें क्या लगेगा, यहां रखा हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गया। ठीक, समझ आई बात या नहीं, कंडीशन समझ में आ गई? Yes, sir. ऐसे ही कंडीशन आती है कि एक ग्लास में पानी भरा हुआ है और उसमें एक पेंसिल पड़ी हुई है, और ये पेंसिल हमें बेसिकली दिखना ऐसे चाहिए थी, लेकिन पेंसिल दिखती है उठी हुई सी, ऐसे। ऐसा क्यों हो जाता है कि पेंसिल उठी हुई दिख रही है? बिल्कुल वही बात है कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में चलेगी तो थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी आगे की तरफ, तो हमें क्या लगेगा, पेंसिल यहां से आना चाहिए थी, देखो ये, लेकिन ये क्या हुआ, यहां पीछे की तरफ बढ़ाई तो पेंसिल यहां पे लगी, ऐसा लगा कि पेंसिल कहां है, यहां है। ठीक है, एक्चुअल में ये यहीं नहीं थी, हमें क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा इमेजिन होता है कि वो यहां से आ रही है, इसलिए हमें ये टिल्टेड टूटी हुई सी लगती है, ऐसा लगता है पेंसिल टूटी हुई है। तो ये जो फिनोमिनन्स है ये बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर ही बेस करते हैं, कि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब लाइट जा रही है तो वो बेसिकली अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है। ठीक है, और जब अवे हो रही है तो बेसिकली हमें चीजें जो हैं वो अलग, जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन है उससे अलग दिखेंगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आपको आज पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे लगते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में लगवा देंगे, आज के लिए बस इतना ही रखना है। ठीक है, no.